गुफा में। क्या अभी नहीं खाते? क्या अभी नहीं खाते? सच्ची सच्ची बोलो, एक घुट पानी तो पीते चंगा। नहीं पीते माँ, सबको ऐसे लिखे रहते हैं। नींबू से तो पीते चंगा नहीं। चल के नींबू खा। अयो आशीष पूरा पानी ठंडा पानी जो है पी खा लेना। अब सबे कौशल की तरह पूरी फैमिली खाने बा ठीक है लेबा। ये 7 तारीख को हम ये कौशल ले 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 ले। हेलो हां रमजान भाई कब आ रहे हैं? हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। रमज़ान स्पेशल, तुम ना कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो हमारा ये रमज़ान कैसा गुजरेगा और थोड़ा सा चुटकुले आप लोगों के सामने पेश है, तो माजर चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स ये जा रही बा, मैं 10 बार खाते रहने वाला, मैं आराम से खा पी का आराम रहने वाला बा। रोजे के लिए मेरे हाथ से होते नहीं। रोजे रहने का क्या जी? हाँ भाई अल्लाह की फसल से पूरे रहो। हेलो हाँ रमजान भाई कब आ रहे हैं? कल आ रहे, आज ही जाओ, शाम को सहरी करते हैं, हमें सवेरे से रोजे रहते हैं। ठीक है ओके, रमजान भाई आ रहे थे भाई, सब्जी ने तैयार हो? हाँ ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लो भाई लो भाई, शुगर की बीमारी का इलाज, बीपी की बीमारी का इलाज, गुर्दे का, पथरी का, दिल का, गुर्दे का, बीमारी का, गुनाहों का, सबका इलाज आया। लो भाई लो भाई लो भाई, किसे होना बेटे? अल्लाह ने हमें फ्री में दिया है सारी बीमारियों का इलाज, सारी बुराइयों का इलाज, सारे गुनाहों का इलाज। अल्लाह ताला ने हर इंसान को फ्री में दिया है एक महीना रमज़ान का। अगर पाबंदी के साथ हम एक महीने को सही तरीके से जैसे अल्लाह चाहता है वैसे गुजारेंगे ना बेटा, हाँ। वैसे रोजे पूरे करेंगे ना, तो सारी बीमारियों का इलाज अल्लाह ने रमजान के रोजों में छुपा कर रखा है। और दिल की हर बुराई का इलाज, हर बुराई का, दिल के अंदर जो गुनाह पैदा होते ने वो भी खत्म हो जाएंगे, बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। हाँ। बल्कि हमारे दिल के अंदर, हमारे गुर्दे के अंदर, हमारे लीवर के अंदर जो बीमारियां साल भर के खाने से फैलते हैं ना बेटा, हाँ। वो सारी निकल जाएंगी। हाँ। मगर यकीन होना, हाँ। अल्लाह ताला, हाँ। हमें सबको बनाने वाला, हाँ। अल्लाह जैसे एक आदमी गाड़ी बनाता नहीं गाड़ी, हाँ। तो उन्हीं गाड़ी के हर ऐब और हर उसी परेशान गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने को जो बनाने वाला है उसकी उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने का बनाने वाले को अच्छी तरह मालूम होता है। इसी तरह अल्लाह मुझे तुझे सबको बनाए ना बेटा, तो अल्लाह हमारे अंदर जो तकलीफ परेशानी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे दूर करने का तरीका अल्लाह ने रमजान दिया। इसलिए सर जी ने आज से क्या करेंगे, आज से नहीं, आज रात से सहरी करेंगे, कल से रोजे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रमजान मुबारक, रमजान मुबारक आप सबको भी। बोलो बाबा शाह कैसे तुम्हें? हाँ हमें आराम है बात, तुम्हें कैसे हैं? हाँ रमजान मुबारक बात तुम ना रमजान। आज देखो जी चांद देखने गए थे छत पर, चांद ही नजर नहीं आया, देखो कहाँ बादलाम छपो बेटा की। हाँ जी तुमने अब चांद मुबारक जी, चांद मुबारक बहुत बहुत। हाँ जी कई फोन लगाए थे पास आया बोले जो। हाँ हाँ लिस्ट निकाले तुम्हें? अयो कैसी लिस्ट निकाले? एक मिनट थोड़ा मैं भी पेन बुक कर निकाल ले, तू हमारे हस्बैंड को बोलते जरा रखा है कि नहीं? एक मिनट थोड़ा बाहर ये पेन बुक निकाल बोले तो। हाँ 6 तारीख को कहाँ बोले? अमीना के घर ये लिख ले रहे 6 तारीख को अमीना के घर सबको। हाँ 6 के बाद 8 है, 7 आता था बीच में, 7 तारीख को कहाँ नहीं, 8 तारीख को कौशल के घर है, पूरी फैमिली को खाने बाद
निकले बा ये 7 तारीख को हम ये कौशल के घर निकले रे ये 9 तारीख परिता जान की घर है हां जहां से पूरी फैमिली का आते रे 9 तारीख को परिता जान की घर निकले रे अभी डायरेक्ट 15 तारीख को जा बीच में कौन है क्या शर्मा की घर ये सलमा पीछे बार अभी दावत दी थी बा तरकारी बनाई थी ए नको बा सलमा का कैंसिल कर दूसरी जगह काम है ये देख हां रजिया के घर चलता देख नहीं बड़े 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 बना तू चिकन मटन तो बना थी इस तरीके को आ जाते डन से डन लिख ले बा लिख ले 19 तारीख को रजिया की कमी थी जल्दी लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले हां 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 जी बाबा खुश आ रहा भी इतने इंफॉर्मेशन दी क्या उन्होंने टाइटल नहीं अच्छा अच्छा बाबा मेरे हस्बैंड को बोल दो ठीक है नहीं नहीं लिखा नौ तारीख लिख ली थी हां फिर बहुत अच्छा बात है तो बाबा ऐसे तुमने रमजान बाद को मेरा रमजान बहुत खुश खुश हुआ जी तुम्हारा साथ दिया तुम रमजान बाद हां ठंडा ठंडा पानी कल से ये पानी देखने का नहीं क्या गया पूरा आइसिस बना तो कैसा पीना अयो आशीष पूरा पानी ठंडा पानी जो है पी खा लेना अब सवेरे से गले भी था पानी धूप में याद आता पी लेंगे ऐसा बैठ बहुत ज्यादा हाँ रमजान की एक्साइटमेंट है देखो कौन है अभी कौन है आ रहा आ रहा नमस्ते जी ओ पल्लवी बर्री 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 बड़क बर्री नहीं जी आप सुनने में बात कीजिए अच्छा ठीक है बैठो बैठो दरवाजा मुझके आती ये ले पल्लवी भाग दूर बंदी ले बहुत दूर है तो तू कैसी है माँ सब बराबर है खैरियत से है हमें ठीक है देखो जी तुम कैसे है पहले बताओ जी हमें ठीक है पल्लवी बहुत बहुत शुक्रिया जी तुम्हारा कैसा दूर आना हुआ मैं तो ना रमजान का सब विश करने गई थी जी तुम्हारा रोजे स्टार्ट हो गए तो ओ रमजान का विश करवाई जी वाह अल्लाह का शुक्र है जी वाह इस साल भी रमजान देखने को मिला जी वाह हमने वही कि नहीं पल्लवी बहुत अच्छा करी रख तो ऐसो अयो भूखे था तो ही वही वाह हमें 30 दिन भूखे रहना देख वाह हमें क्या भी नहीं खाते क्या भी नहीं खाते माँ में पानी तक नहीं पीते देखो हमें क्या खाना रोटी भी नहीं खाते खाना रोटी भी नहीं खाते माँ पानी भी नहीं पीते पानी भी नहीं पीते हाँ दूध भी नहीं खाते रोट भी नहीं खाते पानी भी जिंदा कैसा रहते तुम्हें अभी हूँ क्या नहीं मैं जिंदा तुम्हारे सामने हर साल रोजे रहता ही जिंदा रहता ही देख रही नहीं तुम्हें अल्लाह हमने ऐसे सबर देता यो हमने ताकत देता कुवत देता हर बीमारी से शफा देता रोजे बहुत अच्छे है जी बार रोजे हमने तो साल भर भूखा ऐसा खाते ही करते एक महीना खा भूखे रहे तो क्या होता इसका फायदा क्या जरा बताओ तो फायदा बहुत है माँ इससे फायदा है बोल के तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज बनाए अल्लाह ताला फर्ज बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि पूरे महीने के रोजे रखो तुम्हारे सारी बीमारियाँ दूर होते हैं वो बोलते हैं ये देखो जी मेरा बेटा है देखो पल्लवी देखे कैसे हो तुम सच्ची सच्ची बोलो एक घूंट पानी तो पीते चंगा नहीं पीते माँ नहीं पीते क्या भी नहीं पीते अम्मा मेरी कई जान खड़ी नहीं पीते नहीं पीते ठीक है लेमा अभी हम चलते हैं अपने घर को रमजान को ईद को बुलाना हाँ ईद को बुला तो ले जा 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 रहे कैसे कैसे फालतू लोग आते हैं यहाँ शीर खाने को हमारे नसीब को ऐसे लिखे रहते हैं जान खाने नींबू से तो पीते थे या नहीं चल के देखो साली को चल चल भगा दिया साली को सारे जान खाते रहती रमजान में हमारा मूड खराब कर देती साला खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाच